हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटे तीखे आलू फ्राई। फ्रेंड्स, ये सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। जब भी आपको कुछ चटपटा सा टेस्टी सा खाना है तो आप ये सिर्फ 5 मिनट में बना के खा सकते हैं। आप इसको सब्जी के तौर पर भी खा सकते हैं, आप इनको एज अ स्नैक्स भी ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। ये पके हुए आलू नहीं है, ये कच्चे आलू हैं। आलू का मैंने छिलका निकाल दिया है और छिलका निकालने के बाद मैंने उनको 4 से 5 मिनट तक पानी में डाल दिया था ताकि आलू काले ना पड़े। और उनको मैंने अच्छे से पानी में से निकालने के बाद अच्छे से सुखा लिया है। इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम जब इनको फ्राई करेंगे तो हमारे ऊपर छींटे आएंगे। तो मैंने यहाँ पर इनको अच्छे से सुखा लिया है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि उनको किस तरह से कट करना है। तो इस तरह से हम इनको पहले बीच में से कट कर लेते हैं। अब हम इनको इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। आप इनको कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, बट इनको हमें इस तरह से पतला पतला ही कट करना है ताकि ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। या आप इनको थोड़ा सा और भी पतला कर सकते हैं, कोई भी शेप में काट सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से सारे आलूओं को कट कर लिया है। बिल्कुल जिस तरह से हम फ्रेंच फ्राई खाते हैं बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा। तो अब हम यहाँ पर गैस ऑन करके एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो जो हमने आलूओं को कट करके रखा है उनको हम इसमें डाल देते हैं। अब हम आलूओं को ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम आलूओं को जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए, यानी कि दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन के ना हो जाएं और ये आलू थोड़े से पक ना जाएं। तो इसी तरह से पहले हम इनको 5 मिनट में खुले में पका लेंगे ताकि इसकी जो ऊपरी सरफेस है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, यानी कि हल्की सी गोल्डन ब्राउन की हो जाए। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इनको हम बीच बीच में हर 1-2 मिनट बाद चलाते रहेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इनको 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकती हैं इनका जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन का होता जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये क्या है आलू अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और वो अच्छे से और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। तो अब हम इनको 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से पका लेते हैं। जब तक आलू पक रहे हैं जब तक हम इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं, बट हमें आलू को बीच बीच में फ्राई करते रहना है, इनको हमें भूलना नहीं है, नहीं तो आलू जल जाएंगे। तो अब हम गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे और ये मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच साबुत धनिया ले लिए हैं, ये इसमें डाल देते हैं। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर ये सौंफ ले ली है, ये इसमें डाल देते हैं। फ्रेंड्स, आप इस मसाले को जरूर बनाएं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर ये जीरा ले लिया है और ये मैंने यहाँ पर 5 से 6 लौंग ली हैं और 3 से 4 मैंने यहाँ पर ये काली मिर्च ले ली हैं। इनको भी हम इसमें डाल देते हैं। अगर आप इनको नहीं डालना चाहते हैं तो आप बाद में गरम मसाला भी डाल सकते हैं। 3 से 4 मैंने यहाँ पर ये सूखी हुई लाल मिर्च ले ली है, ये इसमें डाल देते हैं। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप मिर्चें थोड़ी कम भी ले सकते हैं। तो अब हम इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, यानी कि जब तक इनको रोस्ट करेंगे जब तक इनमें से हल्की सी खुशबू ना आने लगे। ये देखिए, इनका कलर चेंज हो गया है और इनमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इनको हम मसाले को इसमें डाल देते हैं। तो सारे मसाले को मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम जार का ढक्कन बंद करेंगे और अच्छे से इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो देखिए, मसाले को मैंने इस तरह से पीस लिया है। बिल्कुल हमें इस तरह का दरदरा सा पाउडर बनाना है। और ये देखिए, यहाँ पर आलू को फ्राई होते होते यहाँ पर 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकती हैं आलू का कितना बढ़िया सा कलर आ गया है, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन के हो गए हैं। देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी से लग रहे हैं। और कोई कोई साइड इसकी जो अच्छे से गोल्डन ब्राउन की नहीं हुए तो उनको हम इस तरह से पलट देंगे। तो थोड़ा सा हम इनको और भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको आलू को तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, आलू कितने बढ़िया से सॉफ्ट हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब हम इनको इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ले लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। अब हम आलूओं के साथ इसको मिक्स कर देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो इसमें से निकल जाए। तो इस तरह से हम आलूओं के साथ 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे। और ये मैंने यहाँ पर इनको 2 से 3 मिनट तक पका लिया है और जो अदरक लहसुन का कच्चापन भी इसमें से निकल चुका है। तो अब हम इसमें 1/3 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अब मैं यहाँ पर 1/3 चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ हल्का सा। इससे क्या हुआ कि देखने में थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मसाले में मैंने लाल मिर्चें डाली हैं तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 चम्मच मसाला इसमें यूज करूँगी। बहुत ज़्यादा मसाला यूज नहीं करना है और 1/2 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो जो चिली फ्लेक्स मैंने बाद में डाला है उसको आप स्किप कर दें, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। बट मुझे थोड़े ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल दिया है। उससे इसका कलर भी अच्छा हो जाता है और खाने में भी उनका टेस्ट थोड़ा चटपटा सा हो जाता है।
तो आप इनको अच्छे से मिक्स कर दें। आप इस तरह से इनको टॉस भी कर सकते हैं। तो अभी हम इनको मसालों के साथ 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इनको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। गैस को हम ऑफ कर देते हैं और इनको एक सर्विंग प्लेट पर सर्व कर लेते हैं। तो आप इनको गर्मा गर्म टमेटो सॉस के साथ सर्व करें हैं, या आप इसको रोटी के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।